स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश प्राइमर पार्ट ए बुक में हम दे और देयर का यूज़ सीखेंगे. ऑलराइट, चैप्टर नंबर 24 विच इज़ गिवन ऑन द पेज नंबर 40. यूज़ ऑफ दे एंड देयर. दे हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. दे हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, जैसे वे सब, वे लोग. देयर मतलब उनकी, उनके. जैसे यहाँ पे दे आर कज़न, दिस गर्ल इज सेइंग दे आर कज़न्स. ये दोनों क्या हैं? कज़न्स हैं. देयर ड्रेस इज ब्यूटिफुल. और उनकी ड्रेस कैसी है? उनकी 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 ड्रेस कैसी है? ब्यूटिफुल है, ठीक है. उनकी ड्रेस कैसी है? ब्यूटिफुल है. दे आर फ्रेंड्स, दिस गर्ल इज सेइंग दे आर फ्रेंड्स. देयर हेयर इज शॉर्ट, उनके बाल कैसे हैं? शॉर्ट हैं. उनके उनके बाल कैसे हैं? शॉर्ट हैं. ऑल राइट. एंड हेयर इन द थर्ड पिक्चर, दे आर नेबर्स. ऑल राइट, दिस बिल्डिंग सेम, दे आर नेबर्स. देयर अपार्टमेंट इज सेम. इन दोनों का अपार्टमेंट कैसा है? सेम है. ऑल राइट, देयर अपार्टमेंट इज सेम. नाउ हेयर वी डू दिस एक्सरसाइज ऑल्सो. दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स. देयर नोटबुक्स आर क्लीन एंड neat. Their notebooks are neat and clean. All right. Next, they are cousins. They are cousins. All right. Their mother love shopping. Their mothers love shopping. इनकी mother को क्या पसंद है? Shopping करना पसंद है. All right. Next, they are teachers. Their subject is maths. इनका subject क्या है? Maths. Their subject is maths. All right. Thank you, students. Bye, everyone.